हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट पर राजनीतिक संग्राम मचा तो सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की सफाई सामने आई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन सेबी अध्यक्ष पर अडानी मामले की जांच की जिम्मेदारी थी, असल में अडानी ग्रुप से जुड़ी कुछ कंपनियों में ऑफशोर फंड में उनका खुद का पैसा लगा था। हिंडनबर्ग रिसर्च के ऐसे आरोप को लेकर भारत में राजनीतिक संग्राम मच गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से सेबी में ऐसी हलचल मची कि सेबी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया। रवीश कुमार ने सेबी पर कटाक्ष करते हुए और ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर तंज कसते हुए कहा, सेबी को ट्विटर अकाउंट तुरंत खोलना चाहिए और रविवार को दफ्तर खोलकर सेबी चीफ को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग सारे अफेयर से अवेयर होना चाहते हैं और आप हैं कि अवेयरनेस का अकाउंट बंद कर दिए। अब हम लोग कहां जाएं? अकाउंट खोल दीजिए वरना याद है ना, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी सीबीआई को खुली छूट दे रखी है, लूट पर कोई छूट नहीं है, पूरा लूट चलिए, कल खंडन हो जाएगा। एक चुटकी खंडन की कीमत तुम क्या जानो हिंडन बाबू। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा, हिंडनबर्ग खुलासे की भनक लग गई थी, 3 दिन पहले मोदी ने संसद का सत्र समाप्त कर दिया। मोदी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ने उसी से भी अध्यक्ष से जांच कराई जिसने अडानी के साथ मिलकर घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वहीं कांग्रेस ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जब अडानी मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की ही मिलीभगत दिखाई दे रही है तो फिर सरकार को हितों के टकराव को समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और अडानी महाघोटाले की जांच जेपीसी के द्वारा होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर घिरने के बाद सेबी अध्यक्ष माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झूठ बताया और कहा कि निराधार आरोप लगाए गए हैं, जल्द ही पूरे तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखेंगे। कई लोग सवाल उठाते हैं कि हमारे देश की मीडिया की बजाय हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी विदेशी संस्थाएं इस तरह के खुलासे कर रही हैं तो क्या हमारे देश की मीडिया को जानकारी नहीं होती? वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव इसे लेकर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, हिंडनबर्ग ने जिन पेपर्स के आधार पर आरोप लगाया है निश्चित ही वो पेपर्स भारत के बहुत सारे न्यूज चैनल्स और अखबारों के पास हिंडनबर्ग से पहले पहुंचे होंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी ऑन एयर या पब्लिश करने की। इंडियन मीडिया ऐसे ही काम करता है, रिपोर्टर्स अक्सर कई बड़ी खबर लाते हैं, संपादक सब डर और लालच की वजह से उन खबरों को ड्रॉप कर देते हैं। मेरे साथ तो कई बार ये बात हुई है नौकरी के दौरान। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब आरोपी और जांच करने वाले ही मिले हुए हैं तो फिर अडानी मामले की जांच अब जेपीसी के द्वारा होनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।